नमस्कार और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। 43 डिग्री तापमान, लोकसभा के चुनाव, जैसे जैसे तापमान है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों पर है। बात करते हैं वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा जी से। आज सिरसा के अंदर माहौल एक तरफा है, बुलडोजर बाबा आदित्यनाथ योगी यूपी के सीएम पहुंच रहे हैं सिरसा। तो बात करते हैं कि पिछले 5 दिनों में कितना अंतर है वो आया है। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो एक बार बीजेपी लड़खड़ाती हुई दिखाई दी थी, लेकिन एक हफ्ते में ऐसा आखिर क्या हो गया कि चुनाव ही पलट गए, पासा उल्ट फुल्ट हो गया। अगर पंजाबी में बात करें तो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही पासा मुद्दा हो गया। वही बात है वो हुई है, चुनाव ने करवट बदली है और माहौल हो गया चेंज। बात करते हैं गोविंद जी से, जानते हैं आखिर कौन सा चमत्कार हुआ है। हां जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हो बहन जी? बढ़िया जी, आप सुनाए। गर्मी बहुत बढ़ रही है और चुनाव की तेजी भी आपकी बहुत है। प्रदेश की साथ सबसे ज्यादा गर्मी सिरसा में पड़ रही है। जी जी, तो गतिविधियां कैसे चल रही है? खूब अच्छी है, बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। भगवान राम ने इलेक्शन संभाला है जी जी, और उनके आशीर्वाद से इलेक्शन अब चरम सीमा पे चल रहा है जी जी। और आपकी बात के इलेक्शन बिल्कुल पलट गया है बिल्कुल। और यहाँ जो लोगों, क्योंकि मेरा सिरसा का जो परिवार है ना, ये बड़ा समझदार है जी, वो समझते हैं। और उनके मतलब एक जो मन में बात थी कि भगवान राम के प्रति उनकी श्रद्धा थी और मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा थी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसमें एक हमारा सिरसा का कमल खिले। और लोगों की श्रद्धा थी भगवान राम में कि जब हम 25 तारीख को यहाँ से जो बटन दबाएंगे तो जो कमल खिलेगा वो सीधा कमल भगवान राम के चरणों में जाएगा। तो लोगों को इस बात का, मुझे पता था कि मेरा सिरसा शहर बड़ा समझदार है, मेरा परिवार तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो अब आज बिल्कुल एकदम तैयार है बटन दबाने के लिए, 25 तारीख का इंतजार है जी। और आज सिरसा वालों ने कर ली तैयारी, आज आ रहे हैं भगवादारी जी, और जी, आज लाखों की भीड़ यहाँ अभी अनाज मंडी में जुटेगी। और जब लोग लाखों की भीड़ यहाँ उनके विचार सुनेगी तो आज शाम के बाद एकदम आप देखना, अभी तो आपने कहा ना पलटा मारेगी, अब आप ये कहोगे कि भारी मतों से जीत जी, चल जी, रही जी, है आपकी, तो जी, जी। तो आप ये कहेंगे तो आज एक तरफा सा माहौल बन जाएगा पूरा जी जी। तैयारियां कैसी चल रही हैं सर, जैसे कि चेयर वगैरह कितनी लगाई गई हैं, सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो कैसे हैं? देखिए, लाखों लोगों के आने की उम्मीद है, सिरसा में उत्साह है कि बुलडोजर बाबा आ रहे हैं। भाई गोपाल कांडा जी विधायक जी ने कल सिरसा शहर में एक बुलडोजर यात्रा निकाल कर एक मैसेज दिया था सिरसा वासियों को कि हमारे सिरसा में बुलडोजर बाबा आ रहे हैं जी। तो आप उनके भारी स्वागतम के लिए कल अनाज मंडी में पहुंचे। तो आज मेरा परिवार सिरसा का सारा अनाज मंडी में आएगा अभी 3 बजे, तो यहाँ लाखों की भीड़ आज जुटने की उम्मीद है और आएगी भीड़, क्योंकि सभी बाबा को देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, और क्योंकि जिन्होंने एकदम जो माहौल बदल जाएगा जी। भाई साहब, हम एक बात नोट कर रहे हैं कि जगह जगह पर गोपाल कांडा जी का जो प्रचार है वो जोरों शोरों से है। अगर जैसे कालावाली हल्के की उनको जिम्मेदारी दी गई है तो कालावाली में भी काफी लोगों ने हलोपा ज्वाइन की थी, अब वार्ड वार्ड हम जा रहे हैं साथ में कवर कर रहे हैं, तो बीजेपी से ज्यादा हलोपा की जो चाहत है वो ज्यादा देखी गई है, तो विधानसभा की तैयारी कैसे माने? गोपाल कांडा का परिवार पूरे हरियाणा में बसता है जी जी, और पूरे हरियाणा में जो परिवार बैठा है वो इंतजार कर रहा था भाई गोपाल कांडा जी का जी। और आज यहाँ तो, क्योंकि ये तो हम जब जिले में बैठे हैं तो यहाँ तक हम जा सकते हैं, रतिया, कालावाली, रानिया जी जी, रानिया में धवल कांडा जी लगे हुए हैं, मैं सिरसा में भी लगा हूँ, इलाहाबाद में भी, मैं रानिया में भी, कालावाली में भी। कल भाई गोपाल कांडा जी रतिया गए थे जी, तो रतिया में भी पूरा परिवार बैठा है हमारा, तो वैसे तो पूरा परिवार हरियाणा में बैठा इंतजार कर रहा था। और उसके बाद एकदम से ही माहौल चेंज होने लग गया, चुनावी संक्रिया तेज बढ़ गई और उसके बाद एकदम से चुनाव में जो लोग एक उम्मीद लगाए बैठे थे वो अब लग रहा है लोगों को कि वो पूरी होने जा रही है जी, कि भाई गोपाल कांडा जी के पास हम कभी भी चले जाएंगे, बैठे हैं और जी जी। एक कांग्रेस की वीडियो काफी वायरल हो रही है इन दिनों से, जैसे कांग्रेस के नेताओं का जो स्टेज पर अपमान है वो काफी हो रहा है, वीडियो सोशल मीडिया पर है, और ये भी देखा गया है कि जो शैलजा ग्रुप और हुड्डा ग्रुप की जो गुटबाजी है वो भी स्टेजों पर देखी गई है। ये जग जाहिर है जी, ये सबको पता है, शैलजा ग्रुप और हुड्डा ग्रुप या कांग्रेस क्या करती है ये सबको पता है। और लोगों,
आगे हो गए भी, पता नहीं मुझे कोई वीडियो मैंने सुना है, कोई लोग उनसे सवाल भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं शैलजा जी से कि आप बताइए बहन जी कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, हम किस लिए आपको वोट दें, क्यों वोट दें, आप 10 साल पहले यहाँ थी आपने कुछ नहीं किया, फिर अम्बाड़ा गई जब आपने कुछ नहीं किया, आज आप यहाँ आ गई, आपके पास कोई प्रधानमंत्री नहीं है, आपके कांग्रेस के इतने उम्मीदवार नहीं है, हम क्यों वोट दें। और लोगों को ये गुटबंदी और ये लोगों के आपने देखा धक्का मुक्की ये अभी से चल रही है, किसी को स्टेज पे क्या हो रहा है, तो ये लोग देश का भला नहीं कर सकते, इन्होंने देश का भला किया भी नहीं, इन्होंने पहले भी मेरे ख्याल से जो 70 साल में कम से कम 60 साल इन्होंने राज किया है, और वो 60 साल का नतीजे देखिए आप, इन्होंने क्या किया जी, जी देश कितना पीछे गया है, और इस 10 साल में देश कितना आगे गया है मोदी जी के नेतृत्व में, और कितना आगे बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों को एक उम्मीद है देश को जी जी वो मोदी जी से है जी। आज देश मोदी जी के साथ है, प्रदेश मोदी जी के साथ है, आज मेरा सिरसा मोदी जी के साथ है। इनेलो और जेजेपी को आप कहां देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है जी। साफ हो गया उनका काम जी। वो तो बहुत पहले एक बार भाई गोपाल कांडा जी ने 2010 में कहा था जी। कभी ये भारत बंद करने की बात करते हैं, कभी ये हरियाणा बंद करने की बात करते हैं, आज ये सिरसा बंद करने पे आ गए हैं जी, और थोड़े दिन में चुटाला बंद करेंगे, फिर इनके क्वाड बंद हो जाएंगे, वो हो गया पूरा जी जी। तो लोकसभा के चुनाव जैसे जोरों शोरों पर हैं, तो सिरसा की जनता से अब आपकी क्या उम्मीद है? कहते हैं ना हाथी टप गया पूछ रहेगी, अब तो 2 दिन बाकी है। जी मैं तो मेरे सिरसा की जनता से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सिरसा की जनता लोकसभा क्षेत्र की पूरे जिले की बहुत समझदार परिवार है हमारा, और मैं परिवार से यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपना वोट जो आपका आशीर्वाद है वो 25 तारीख को कमल का बटन दबाकर अपना एक एक यहाँ से जो कमल खिलेगा वो भगवान राम के चरणों में जाएगा, आप भगवान राम के चरणों में ये अर्पित करें, क्योंकि अब की बार भगवान राम का जो मंदिर बना है और देश की जनता यही चाहती है कि अब की बार जो हमारा वोट भगवान राम के पक्ष में जाए, तो मेरे सिरसा की जनता वैसे भी लोगों को एक उम्मीद है कि यहाँ का जो प्रोग्रेस है, सिरसा का जो उज्ज्वल भविष्य है वो प्रधानमंत्री के साथ है, अगर प्रधानमंत्री का MP बनेगा तो काम होगा। और आजकल लोग समझदार है कि अब सब पहले वाली बात नहीं रही कि लोग चाहते हैं कि MP अगर उनका बनेगा तो हमारे सिरसा का विकास होगा, तो समझते हैं खाली हमें MP नहीं चाहिए, हमें काम भी करवाना है। और कल मैंने तो एक स्टेज पे बोला भी है कि भाई गोपाल कांडा जी ने 2009 में एक नारा दिया था कि आप एक वोट देंगे तो आपको 2 विधायक मिलेंगे जी जी जी। तो हमने दोनों भाइयों ने सेवा की है सिरसा की, सिरसा क्षेत्र की, और वैसे ही अब हम ये कह रहे हैं कि आप एक वोट देंगे तो आपको 2 MP मिलेंगे जी जी जी। अगर अशोक तंवर जी दिल्ली बैठ के आपकी पैरवी करेंगे तो हम आपको यहाँ मिलेंगे, आपका काम करवाएंगे, यहाँ रहकर आपका काम होगा, आप जब मर्जी आए, 24 घंटे लोगों को पता है कि हमारे दरवाजे खुले रहते हैं जी जी। तो कोई ऐसा भरम नहीं है। विपक्ष का ये भी कहना है कि जो BJP सरकार है वो धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, कार्य तो कुछ भी नहीं किए हैं, राम सिर्फ उनके नहीं है, राम सबके हैं। देखिए आज वर्ल्ड में 5वें नंबर पे भारत है जी जी, और कभी गोले बम फूटते थे, गोलियां चलती थी जी, आज वो बंद है, और आज जितनी बड़ी बड़ी सड़कें, रेलवे लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, दुनिया में नाम हुआ है जी जी, तो वो मोदी जी ने किया है, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया जी। आज कितनी नहरें चल रही है, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, आप सिरसा में जाके देखिए इरिगेशन से जहाँ कभी फसल नहीं हुई 70 साल में जी, आज हमारे चौपटा में जाके देखिए, उन्होंने कभी दाना नहीं देखा था, आज उनके घर में दाने उग रहे हैं, तो वो कैसे भूल पाएंगे जी जी। कितनी नहरें आज RCC की हो गई, पक्की हो गई, आखिरी टेल तक पानी पहुँच रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत काम किए हैं, आज प्रोग्रेस किया है, और बिना पर्ची के बिना खर्ची के लोग पहले कर्जा लेते थे, लोगों के पास जाके जमीन गिरवी रखते थे, जमीन बेचनी पड़ती थी, रिश्तेदार से पैसे लाते थे जी। फिर लीडरों के जाके पैर पकड़ते थे, धक्के खाते थे, बिचौलिया लेते थे, आज जरूरत ही नहीं है ना जी, जी। आप शिक्षा प्राप्त करो आपका नंबर आएगा, और आज बिना पर्ची के बिना खर्ची के लाखों लोग लगे हैं जी। आज हर घर तक गैस पहुंची है, अभी औरतें हमारी जो माताएं बहनें सारे दिन धुआं में जो फूकनी मार मार के खाना बनाती थी आज गैस पे पका रही है, ऐसी बहुत चीजें, देश बहुत तरक्की किया जी जी। तो ये थी हमारे साथ भाजपा वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी, जिन्होंने खुलकर BJP सरकार की जो नीतियां हैं उनका बखलान है बहुत अच्छे तरीके से किया है, और हमारे चैनल के माध्यम से भी यही अपील है कि आने वाली 25 तारीख को वोट जरूर डालें।
वोट ऐसा हथियार है जिससे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। वोट जरूर डालें ताकि आपको अपना जो एमपी है जिसे आप चाहते हैं वो जीते और देश का विकास हो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय है अपने कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।